अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। होप यू आर ऑल फाइन एंजॉयिंग योर लाइफ। और आप तो ब्लॉग के स्टार्ट में देख रहे हैं कि अलाया जो है वो फेरी बनी हुई है और सुबह सुबह मॉर्निंग में फेरी की प्रैक्टिस कर रही है बिकॉज आज उसकी परफॉर्मेंस है स्कूल में और परफॉर्मेंस के साथ साथ आज उसको एक अवार्ड भी मिल रहा है। और इस फंक्शन में मदर्स को भी इन्वाइट किया हुआ है ताकि जो है जिन बच्चों ने अवार्ड लिया जो परफॉर्मेंस जा रही है उसमें मदर्स को भी अप्रिशिएट किया जाए। तो फिर इसी व्लॉग में आप देखेंगे मेरी प्रिपरेशन और साथ जो है वो कुछ शॉर्ट्स भी देखेंगे इसमें एनुअल फंक्शन के रिलेटेड और कुछ बातें भी करेंगे दिल के एज अ मदर एज अ माँ हम लोगों को अपने बच्चों की किस तरीके से तरबियत करनी चाहिए। अच्छा, ये स्टार्ट में मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए हैं, ये वाले कपड़े पहन के जा रही हूँ और ये वाला ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो बॉक्स ट्राउज़र है मैं आप लोगों को सबको रिकमेंड करूँ स्पेशली मदर्स को कि अपने जो है ड्रेसिंग में कैप्रीज वगैरह सब कुछ छोड़ दे, बॉक्स ट्राउज़र बनवाएं, यकीन करें बहुत खूबसूरत लगती है। आपके कुछ भी साइज है कुछ भी वेट है रिलैक्सिंग होते हैं और आप जो है ना आजकल लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं तो आप लोग ये जो है ट्रेंड में ज़रूर बनवाएं। अच्छा, जब ये सब कुछ मैंने कर लिया तो मुझे लगा कि बाहर थोड़ी सी ठंड होगी क्योंकि मैं घर के अंदर थी तो मुझे सोचा कुछ पहनना चाहिए। तो मैं पहले तो ब्लैक के साथ जा रही हूँ, ब्लैक में एडवर्टा है तो मैंने वहाँ से कोट निकाला है कि चलो ब्लैक पहनती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं कोट ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो जो है जीन्स की जो जैकेट जो है वो हल्की फुल्की होती है चलो वो निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से फिर मैं जीन्स की जैकेट निकाली अपने उसी आउटफिट के साथ, तो बस जाके उसके साथ रखते हैं देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं फटाफट से नाश्ता करती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, टाइम तकरीबन 8:30 बजे का होगा, 9:30 बजे तक फंक्शन स्टार्ट हो जाना है जो कि उन्होंने इनविटेशन पे लिखा हुआ था। अच्छा, नाश्ते से पहले मैंने हनी लेमन वाटर ले लिया है। अब नाश्ते में बॉयल एग चाय और साथ ब्रेड, चाय मैं बहुत कम लूँगी क्योंकि आपको पता है कि चाय पीने से बहुत ज़्यादा वॉशरूम आता है, इवन के जो हेल्थ फंक्शन के लास्ट के बाद मैं बहुत मुश्किल से घर पहुंची थी, सो फनी। अच्छा, तो यही फिर मैं नाश्ते में करूंगी और फटाफट नाश्ता करने के बाद बस मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए ज़रा बस मेकअप बॉक्स खोल लिया, बाल मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कर लिए हैं और बस अब जो है फटाफट से तैयार होना है। यहाँ पर जो है वो ऑटो वाला आ गया था बाहर, बस मैंने जल्दी से चेंज किया और जो है लाइट सा मेकअप किया और मैं यहाँ पर आ गई हूँ वेन्यू में। अच्छा, ये वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मैंने जॉब भी की हुई है तो मैं बस अपने कोलीग से मिली और आके छुपके से लास्ट पे बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे बस वीडियो शूटिंग थोड़ी सी बहुत बनानी थी और मैं सिर्फ अपनी मतलब बेटी के लिए यहाँ पे आई थी। पहले आप मुझे ज़रा यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये वाला बैग लेकर आई थी, बस मैचिंग रिंग्स और ब्रेसलेट वगैरह ही पहना था मैंने, इयररिंग में कुछ नहीं पहना था, बिल्कुल सिंपल थी। और यहाँ पे नीचे पीछे से मैं वीडियो बना ही रही थी कि प्रिंसिपल आ गई और उन्होंने मुझसे मिली और मुझे जो है ना सामने गेस्ट वाली रूम में बिठा दिया। तो ज़ाहिर यहाँ काम तो बहुत कम टाइम किया है लेकिन जहाँ पे आप अच्छा काम किया हो ना तो आपको खुद ही जो है अप्रिशिएट किया जाता है और फिर आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो वेरी थैंकफुल टू द प्रिंसिपल। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट सबसे फर्स्ट पे वेलकम सॉन्ग था और वेलकम सॉन्ग पे अलाया की परफॉर्मेंस थी। तो ये देखिए फेरीज हमें वेलकम कर रही हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। इस किस्म की एक्टिविटी से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज़्यादा अप होता है और पेरेंट्स को तो रिक्वेस्ट होती है कि आप लाजमी ऐसे फंक्शंस पे जाया करें। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं जाते, उन्हें लगता है ये टाइम वेस्टेज एक्टिविटी है, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने बच्चों की तरबियत के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आज मैं टॉपिक पर भी आ जाती हूँ कि माएँ किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करें। सब माओं को पता है कि अपने बच्चों की किस तरह तरबियत करनी है लेकिन सम टाइम हम कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, हमें पता भी होता है। तो बस एक शॉर्ट सा जो है वो इसी बारे में बात होगी, तो आप अगर कुछ कहीं मिस कर जाऊँ तो आप लोग मुझे बता दीजिए और कुछ बातें अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको बताइए कि आपको क्या चीज़ इसमें से अच्छी लगी है। सबसे पहले तो माओं को जो है अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना सीखना चाहिए। आप कहेंगे ये कैसी बात है, माएँ तो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करती हैं, लेकिन सेक्रीफाइस करने के साथ साथ वो उनको जिताते भी बहुत ज़्यादा हैं कि यार मैं आपके लिए ये करूँ ये करूँ ये करूँ। समटाइम मैं भी अपने बच्चों को कह देती हूँ कि मैंने आपके लिए अपने जॉब छोड़ दिए, करियर छोड़ दिए, अपने करियर पे फोकस करने के लिए बच्चों की तरबियत पे फोकस करें, जो सबसे मेन पॉइंट ये है। ये मत कहें कि आपके बच्चे कोई और पाल लेगा, वो एक जान है, एक ज़िंदगी है जिससे कौमें बननी है, तो आप लोगों को अपने बच्चों की तरबियत खुद ही करनी पड़ेगी। सेकेंडली बच्चों को बताएँ कि अल्लाह हमारा और हम अल्लाह के, दीन सिखाएँ उन्हें, दीन सिखाएं उन्हें, इस बात को सिखाएं कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि अच्छे काम का बुरा नतीजा भी निकलता है तो इसका यह है कि ये ऐसा होना ही दिखा था, ये अल्लाह की तरफ से और इसी में बेहतरी है। तो यकीन करें हमारे बच्चों को कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, ये कि छोटे छोटे बच्चों को आजकल डिप्रेशन हो रहा है। मैं लास्ट 4-5 ईयर्स से एक बीन कोऑर्डिनेटर एजुकेशनिस्ट बहुत पेरेंट्स से मिल रही हूँ, उससे पहले मैं टीचिंग कर रही थी। बच्चों में डिप्रेशन की रेशियो बहुत बढ़ रही है क्योंकि हम लोगों ने एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के दिमाग को प्रेशर कुकर बनाया हुआ है और हर टाइम ये फीड करते रहते हैं आपने पोजीशन लेनी है, आपने पोजीशन लेनी है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ प्यार करें, दीनी तालीम के ऊपर तो सख्ती करें लेकिन दुनियावी तालीम पर कोई सख्ती ना करें। अच्छा, यहाँ पर अभी अलाया को अवार्ड मिलेगा, उसकी सेकेंड पोजिशन आई है
मैं बाय गॉड कह सकती हूँ कि मुझे याद भी नहीं था कि मेरी जो है वो बेटे और बेटी की कौन सी पोजीशन आई थी एनुअल में। जब ये फंक्शन अनाउंस हुआ तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि कौन सी पोजीशन आई थी। लिटरली ना मुझे ना इनके इनके बाबा को याद था। हम लोग सेटिस्फाइड थे कि एनुअल में जो है मेरे बच्चों ने 100% दिया। पोजीशन कोई भी है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने सीखा है वो कभी कोई इनके दिमागों से लेके नहीं जा सकता। बस अब मैं और अलाया घर पे आ गए हैं और आप ये देख रहे होंगे घर में गाड़ी है और मैं ऑटो पे क्यों गई थी। तो इसके लिए आप ये जो वीडियो है लड़कियों ड्राइविंग सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सब गर्ल्स के लिए, तो काइंडली आप वो जाके ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत मोटिवेशन होगी स्पेशली ड्राइविंग सीखने के लिए। तो मैं भी आजकल सीख रही हूँ और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।